तो हमने आपको यहां तक बता दिया था आई थिंक। एक बार मैं पूरे बता दें, एक बार पूरे बताए, हमें दिया है दो त्रिभुज, हमें दिए दो त्रिभुज, हमने खुद बनाए, एक बार से बताए नहीं, एक का नाम एबीसी रख दिया बड़ा त्रिभुज, एक का नाम पीक्यू आर रख दिया छोटा त्रिभुज। इसमें उसने कहा कि दो त्रिभुजों में आपको संगत भुजाओं, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान बना। तो हमने क्या किया, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, समानुपाती होने का मतलब है कि अंश में एक त्रिभुज की भुजाएं आएंगी और हर में दूसरा त्रिभुज की भुजाएं आएंगी और तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। अब किसको किसके बटे में लेके आना है, ये संगतता कहलाती है, जो भुजा जिसके संगत होगी। तो हमने मान लिया ये वाली भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है और ये भुजा इसके संगत है, हमने मान लिया। निशान लगा के बता दिया कि तीन निशान लगा के तीन वाली का संगत है, दो वाली निशान वाले दो वाली और एक निशान वाली एक वाली। इसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर। तो संगत कोण, अब ये वाली भुजा जब इसके संगत है तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण का संगत होगा, इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण का संगत होगा और इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों की क्या परिभाषा थी कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब एक बात तो इसने यहाँ बता दी थी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कोण हम सिद्ध कर लेंगे, फिर दोनों बातें पता लग जाएंगी, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। कल जो फिर मैं पढ़ी थी उसमें क्या दिया था, हमें कोण बराबर दिया था और कोण बराबर से हमने क्या सिद्ध किया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर हमने सिद्ध किया था, जिसका प्रयोग हम आज भी करेंगे। रचना कल वाली है कि हमने ए बी पर एक बिंदु डी लिया, ए सी पर एक बिंदु पी लिया और वो बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर BQ और AE बराबर PR, क्योंकि ये त्रिभुज छोटा है ये बड़ा है, तो इसकी छोटी भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा एक हमने इसमें से काट ली, उतनी इतनी छोटे त्रिभुज की हो जाती है वो बड़े त्रिभुज में हमने काट ली, इतनी हमारी रचना। शुरुआत करिए, हमने जो हमने दिया था क्या दिया था, हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, केवल हमने उन भुजाओं का अनुपात बराबर लिया जिन पर हमने रचना की, AB बटा BQ बराबर AC बटा PR, इसी को लेकर हम चले। फिर हमने AC को दो भागों में तोड़ लिया, AD प्लस D, तो AC को तोड़ लिया AD प्लस D और सॉरी हाँ और AC को तोड़ लिया A प्लस EC और AB को तोड़ लिया AD प्लस D। उसके बाद हमें मालूम है रचना से AD किसके बराबर था, तो हमने यहाँ जो PQ लिखा था उसकी जगह AD और ये जो PR था उसकी जगह AE। अब हम देख रहे हैं कि ये AD प्लस D की AD जो बटे में है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक बटा दो प्लस चार बटा दो, दो एलसीएम लेते हैं तभी तो अंश में दो चीजें जुड़ती हैं, दो चीजें तभी जुड़ने होंगी जब एलसीएम लिया हो, पहले वाली स्थिति में लिया उसको क्या करें, दोनों को अलग अलग कर दें। इससे क्या हुआ, AD से एक AD एक बार कटा, AE से AE एक बार कटा, तो आ गया वन प्लस डी बी बटा AD वन प्लस BC बटा AD, एक से एक कट जाएगा, कितना आ गया डी बी बटा AD बराबर BC बटा AE। ये उनमें का विलोम क्या था कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, और अनुपात में बांटने का मतलब था ये जो भाग है ये बटा ये बराबर ये बटा या फिर ये बटा ये बराबर ये बटा, इधर के वाले भागों का अनुपात इधर वाले भागों के अनुपात के भाग, ये तो हुए AD और DB, इनका अनुपात दिया इनका अनुपात दोनों अनुपात भाग का बराबर है, AD बटा DB बटा AD और AC बटा AE, ये अनुपात बराबर आ रहे। अगर ये अनुपात बराबर है तो थेल त्रिभुज का विलोम क्या कहता है, ये जो भुजा इसने अनुपात लेके आई है दो भुजाओं को काट के, ये तीसरी भुजा के कैसी हो जाएगी समान, D किसके समांतर हो गया BC के, ये बने हैं ये D समांतर BC, जो हुआ थेल त्रिभुज का विलोम है बेटा। अपने आंखों के आगे से हर तुम यहाँ बैठे हो, दोनों हाथ ऐसे कर रखे हैं कि कुछ दिन में अब यहां से जब ये भुजा इसके समांतर हो गई तो संगत कोण कैसे होंगे, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग देखा एडीसी और ए, इसमें हम देख रहे हैं ये एडी कोण बी के बराबर है देखो, और AED कोण C के बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। कल हमने एक पेपर पढ़ी, यदि किसी त्रिभुज के तीन संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीन संगत कोणों के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप।
फिर मैंने एक दूसरी बात भी बताई थी कि यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तीसरा 180 से घटा के निकलता है। इसका मतलब तीनों कोणों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, दो ही कोण बराबर मिलते हैं तो त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज जो प्रमेय है ए प्रमेय वो लागू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कोण मिल गए बराबर, दो त्रिभुज प्रमेय लागू हो जाएगी। प्रमेय क्या कहती थी कल कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है या भुजाएं समानुपाती होती है। हमने भुजाओं का अनुपात ले लिया, AB बटा AD बराबर AC बटा AE बराबर BC बटा BE। ये कहां से आया? A समरूपता से पहले ये वाली बात आती है फिर ये आती है। मैंने उल्टा करा, मैंने पहले त्रिभुजों को समरूप ले लिया और उसके बाद फिर मैंने इसके आधार पर ये लिखा, ठीक है ये हटा देता हूँ क्योंकि यही लगे फिर मैं आपके कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात समान ने कम से कम 5-10 साल 20 साल रिसर्च करी होगी तब जाके हमें ये प्रमेय पता लगी। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस प्रमेय का प्रूफ पढ़ना है। तो अगर आपको जितनी बात भी समझ में आ रही है अभी आप उतनी नोट करिए, घटा कर जब मंथन करोगे मेहनत करोगे, ठीक है भाई वो तो विद्वान लोग जिन्होंने 20-20 साल मेहनत करी, हमारे बुद्धि तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, हमारी तो उम्र 20 साल नहीं है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, है ना। तो आपके 5 मिनट में समझ में कैसे आ जाएगी? आपको घर पर जाकर इसे 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, कम से कम 1.5 घंटा तो दोगे बुद्धि के हिसाब से, वो हो सकता है 1.5 घंटे में भी समझ में ना आए, कम से कम 20-25 बार पढ़नी पड़े। इसलिए बच्चे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बात सुनते रहिए, कॉपी में नोट करिए, बार बार पढ़ोगे मंथन करोगे क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई ना नहीं, ठीक है बस आपको फोकस करना है। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हमें दिया है, फिर वही पहुँच गए दोबारा कि हमें क्या क्या आता है, ये वाली बात क्या आता है, इसी को फिर उठा लिया। We have given from, ठीक है we have from given, यानी हम जानते हैं, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें कि त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है, ये हमें ज्ञात है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, जो रचना की थी पी क्यू किसके बराबर लिया था एडी के, तो पी क्यू की जगह एडी लिखते, पी आर किसके बराबर लिया था एक, और कुछ जैसे ही मैंने ये किया उसको समीकरण दो लिखा तो मैंने देखा समीकरण एक और दो में एलएलएस सेम हो गए, ये दोनों भाग सेम हो गए। तो जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और यही चीज किसके बराबर है बीसी बटे क्यू आर, तो ये वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा नहीं, इसके लिए खाली एक लाइन लिखनी है मुझे कि इस समीकरण की तुलना करना। जैसे मैंने तुलना करी ये वाला भाग इसके बराबर आ गया, बीसी से बीसी कट जाएगा, तिरछी गुणा करोगे तो डी किसके बराबर आ जाएगा क्यू आर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, चाहो तो आप थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, मैं रखना कर देता हूँ कि बीसी से बीसी कट के आ जाए 1/d की बराबर 1/qr और यहाँ से तिरछी गुणा करोगे qr बराबर डी। ये हिडन स्ट्रक्चर है, इसमें आप नोट कर लो, क्लियर हो गई बात, आगे और बढ़ जाते हैं। अब दोबारा से अब हमने देखा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा तो इसके बराबर थी, ये लिखा मैंने यहाँ, ये वाली भुजा इसके बराबर थी ए ई बराबर पी आर और डी ई बराबर क्यू आर आवेश किया। तो इन दो त्रिभुजों में ये ए डी ई और पी क्यू आर में तीनों भुजाएं बराबर हुए। कक्षा 9 में हमने फिर में पढ़ी है जिन दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो यही मैंने लिखा है, अगर दोनों त्रिभुज कैसे होगा सर्वांगसम किससे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण AD किसके बराबर हो जाएगा क्यू और कोण AED, लेकिन कोण D किसके बराबर सिद्ध कर चुके थे क्योंकि ये समान है D के और D किसके बराबर है क्यू के, क्यू किसके बराबर हो जाएगा AD, ऐसे ही E किसके बराबर आया R, E किसके बराबर था C, C किसके बराबर आया R। और जब ये दोनों त्रिभुज समांतर हो चुके थे तो A कोण किसके बराबर होगा D के, वो CBCD से होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहां कि ये कोण इस बराबर, ये कोण CBCD से बराबर हुआ
और ये वाला कोण क्योंकि बी के बराबर था इसलिए दोनों ये बराबर हुए क्यों भी, और ये वाला कोण आर भी ए सी के बराबर था इसलिए सी के बराबर था। यहाँ तक आप पहुँच गए, क्लियर हो गए? क्या सिद्ध कर दिया हमने? इन बड़े वाले त्रिभुज के तीन कोण छोटे वाले त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर। आप देख लो ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर आया और सी किसके बराबर आया, सिद्ध करिए। और अब ये दोनों स्थिति हमारे पास आ गई कि त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और साथ साथ त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? ये समरूपता की परिभाषा है, तो दोनों त्रिभुज कैसे कर दिए?